यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तते लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान्निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्री वृत्तालयस्थिता भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयो धर्म जन्मनो यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीरामि गौसुतो मुकुन्दानन्द मुख्याश्च नेष्टिका ब्रह्मचारिण गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रया सधवा विधवा योऽसा याश्च मच्छिष्यतां गता मुक्तानन्दादयो यस्यु साधवश्च अखिला अपि स्वधर्म रक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्या सदाशिष श्रीमन्नारायण स्मृत्या सहिता शास्त्र सम्मता एकाग्रेणैव मनसा पत्रिलेख सहेतुक अवधार्यो यमखिलैः सर्वजीव हितावह ये पालयन्ति मनुजा सत्शास्त्र प्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखा तानुलङ्घयात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धय इहा मुत्र च मल्भन्ते कष्टमेव हि अतो भवद्भिर्मच्छिष्यै सावधानतयाखिलै प्रत्येतामनुसृत्येव वर्तितव्यं निरन्तरम् कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकै सूक्ष्मयूका मत्कुणादेरपि बुद्धया कदाचन देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् स्त्रियादनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्य च वा क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा अयोग्याचरणात् क्वापि न विषोद्बन्धनादिना न भक्ष्यं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित् न पेयं च सुरामद्यमपि देव निवेदितम् अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अङ्गच्छेदो न कर्तव्य शस्त्रादेश कुदापि वा स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामी काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया व्यभिचारो न कर्तव्य पुंभिस्त्रीभिश्च मांश्रितै द्युतादि व्यसनं त्याज्यं नाद्यं भण्डादि मादकम् अग्रहयाने न पक्वं व्यदन्नं तदुदकं च न जगन्नाथ पुरोऽन्यत्र ग्राह्यं कृष्ण प्रसाद्यपि मिथ्यात्वादः कस्मिंश्चिदपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीया कदाचन देवता तीर्थ विप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां च न कर्तव्या निन्दा श्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्येषे सुरा मांस निवेदनम् यत्पुरोजादि हिंसा च न भक्ष्यं तन्निवेदितम् दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवाघाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तदेव दर्शनं कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रम धर्मो य सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्ण भक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभो स्वपरद्रोह जननम् सत्यम् भाष्यम् न कर्हिचित् कृतघ्न संगस्तक्तव्यो लुञ्चाग्राया न कस्यचित् चोर पापी व्यसनीनां संघः पाखण्डिनां तथा कामीनां च न कर्तव्यो जनवञ्चन कर्मणां भक्तिं वाज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्य रसलोलुभा पापे प्रवर्तमानास्यु कार्यस्तेषां न संगमः कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात्तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन अघालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नान नैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयं वसा यदौषधं च सुरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित्
स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्थिवनं तथा अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च स्थाने स स्वामिके वा स कार्यो पृष्ट्वान् तत्पतिं ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः न विवाद स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसाम् लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम् पाठनीयादितव्यद्या कार्यसङ्गोन्वहं सताम् गुरुदेव नृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च यस्मिन् परिहितेऽपि शिरदृश्यान्यङ्गानि चात्मन तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रिते धर्मेण रहिता कृष्ण भक्ति कार्यान सर्वथा अग्निनिन्दा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः कुम्भैः स्पृश्या नवनीतास्तत्र ताभिश्च पुरुषः कृष्णदीक्षां गुरो प्राप्ते तुलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चौद्रपुण्ड्रं ललाट्याद्यो द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथ वाहरे कार्यं पूजा वसिष्ठेन केसरादियुतेन च तन्मध्ये एव कर्तव्य पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रकः कुम्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना सच्छुद्रा कृष्ण भक्ता ये तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजाति वद्वारणीये निज धर्मे सुसंस्थिते भक्तिस्तदितरिर्माले चन्दनादिन धनोद्भवे धार्य कण्ठे ललाटेथ कार्य केवल चन्द्रकः त्रिपुण्ड्र रुद्राक्ष ध्रुतिर्ये सं स्यात् स्वकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रिते एकात्म्यमेव विघ्नेयं नारायण महेशयो उभयो ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्त आप धर्मो य सत्वल पापदि कर्हि चित् मदाश्रिते मुख्यतया ग्रहितव्यो न मानवै प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवे विधाय कृष्णस्मरणं कार्यं शौच विधिस्ततः उपवेश्यैव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम् स्नात्वा शुच्यम्बुना धौते परिधार्ये च वाससि उपविश्य ततः शुद्धयासने शुचिभूतले असङ्कीर्ण उपस्पृश्यं प्रामुखं चोतरामुखम् कर्तव्य मूर्धपुण्ड्रं च पुंभिरेव स चन्द्रकम् कार्य स धवनारिर्भिर्बाले कुमकुम चन्द्रकः पुण्ड्रं वा चन्द्रको बाले न कार्यो मृतनाथया मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चा तत आदरात् शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम् ये त्वम्बरीसवद भक्ता स्युरिहात्म निवेदन तैश्च मानस पूजान्तं कार्य मुक्त क्रमेण वे शैली वा धातुजा मूर्ति साल ग्रामोर्च एव तैः द्रव्यैर्यथाप्ते कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठ कार्य स्वशक्तितः तथा नदीत गिर्वाणे कार्यं तन्नाम कीर्तनम् हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं तत कृष्णसेवा परे प्रीत्या भवितव्यं च ते सदा प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यत सम्बन्धा तत्क्रिया सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः भक्तेरेतैस्तु कृष्णाया नर्पितं वार्यपि क्वचित् न पेयं नैव भक्ष्यं च पत्रकन्द फलाद्यपि सर्वैरसक्तौ वार्धक्याद् गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्त्यं यथा बलम् आचार्येणैव दत्तं यद्यच्च तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत् भगवन् मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् नाम सङ्कीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैरादिकापते कार्यास्तस्य कथा वार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्र सहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे
प्रत्यहं कार्यमिच्छं हि सर्वैरपि मदाश्रिते संस्कृत प्राकृत ग्रंथाभ्यासश्चापि यथामति यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे सतु कर्मणि योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन अनवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीया परिचारकः संभावनीयाः सततं यथा योग्यं यथा धनं यादृग्गुणो यः पुरुषस्तादृशा वचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरु भूपाल वर्षिष्ठस्त्यागी विद्वत्तपस्विनाम् अभ्युत्थानदिना कार्य सन्मानो विनयान्विते नौरो कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा विवादो नैव कर्तव्य स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्न धनवस्त्रादेर्यथाशक्ति स चाखिले तमायान्तं निसम्यासु प्रत्युद्घन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधि मच्छिते अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद् यदि आचर्य तर्हि तन्नेव धर्मः स्वार्थ दोस्तिः पूर्वे महद्भिर्यपि यद्धर्माचरणं क्वचित् कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्य वार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यस्य यथा हर्च व्यतिक्रमः विशेष नियमो धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासे त्वसक्तस्तेस्तु मानवे विष्णो कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं महापूजा मन्त्रजप स्तोत्रपाठ प्रदक्षिणा साष्टाङ्ग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मता एते स्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् कृष्ण जन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम् उपवास दिने त्याज्य दिवा निद्रा प्रयत्नत उपवासस्तयानस्यन्मेथुनेनैव यन्नृणां सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्य नन्दनः श्रीविठ्ठले सह कृत्वान्यं व्रतोत्सव निर्णयम् कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवा सेवारितिश्च कृष्णस्य ग्राया तदुदितैव हि कर्तव्याद्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथा विधि सर्वैरपि यथा शक्ति भाव्यं दिनेषु वत्सलै विष्णु शिव गणपति पार्वती च दिवाकर एता पूज्यतया मान्य देवताः पञ्चमामके भूतादिपद्रवे क्वापि वर्मनारायणात्मकम् जप्यं च हनुमन् मन्त्रो जप्यो न क्षुद्र देवतः रविरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रिया हित्वा सुशुचिभिः सर्वे कार्य कृष्ण मनोर्जपः जाताया मत तन्मुक्तो कृत्वा स्नानं सचेलकम् देयं दानं गृहि जनैः शक्त्यान्यस्त्वश्च ईश्वरः जन्मासौ च मृता शौचं स्वसम्बन्धानुसारतः पालनीयं यथा शास्त्रं चातुर्वर्ण्य जनैर्मम भाव्यं समदमक्षान्ति सन्तोषादि गुणान्वितै ब्राह्मणे शौर्य धैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजे वैश्य कृषि वाणिज्य कुशिद मुख वृत्तिभिः हवितव्यं तथा क्षुद्रे द्विज सेवादि वृत्तिभिः संस्काराश्चानिकं श्राद्धं यथा कालं यथा धनं स्वस्वगृहानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः अज्ञानाजज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकं वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चितं कार्यं स्वशक्तितः वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवदाभिधं पुराणं भारते तु श्री विष्णुर्नाम सहस्रकम् तथा श्री भगवद गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्री वासुदेव महात्म्यं स्कांद वैष्णव खंडगम् धर्म शास्त्रांतर्गता च याज्ञवल्क्य ऋषे स्मृति एतान्यष्टममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति स्वहिते चुभिरेतानि मच्छिष्यै सकलैरपि श्रोतव्यानथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजै तत्राचार व्यवृत्ति निष्कृतानां च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेत याज्ञवल्क्यस्य च स्मृति श्रीमद्भागवतस्यैषु स्कन्दौ दशम पञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्ण माहात्म्य बुद्धये दशम पञ्चम स्कन्दौ याज्ञवल्क्यस्य च स्मृति भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे शारीरकाणं भगवद गीतायाश्चाव्यगम्यता रामानुजाचार्य कृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम
एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तदा भक्तिविरागयो मन्तव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्ति कार्येति तद्ग्रह धर्मोग्नेय सदाचार श्रुति स्मृति उपपादित महात्म ज्ञान युग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यं ज्ञेयं प्रीति श्रीकृष्णेतरवत्सुषु ज्ञानं च जीवमाये सरूपाणां सुष्ठु वेदनम् हत्स्थोणु सूक्ष्मचिदरूपो ज्ञाता व्याप्याखिलं तनुम् ज्ञानशक्त्यास्तितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षण त्रिगुणात्मा तम कृष्ण शक्तिर्देह तदीयो जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यताम् हृदये जीववज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थित ज्ञेय स्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्म फलप्रद शशि कृष्ण परम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम उपास्य इष्टदेवो न सर्वाविर्भाव कारणम् सराधया युतो ज्ञेयो राधा कृष्ण इति प्रभु रुक्मिण्यारमयोपेतो लक्ष्मीनारायण सहि ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तौ सौ नर नारायणाभिद बलभद्रादि योगेन तन्नामुच्यते स च एते राधादयो भक्त्यास्तस्य सुपार्श्वतः क्वचित् क्वचित् दङ्गेति स्नेहात् सदु ज्ञेयस्तदेकलः अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् तस्यैव सर्वथा भक्ति कर्तव्या मनुजैर्भुवि निःश्रेयस्करं किञ्चित् ततोऽन्यन्यतीश्यताम् गुणीनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत् परं फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदप्यदः कृष्णस्तदवताराश्च देयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवान् हृदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणम् विभाव्य तेन कर्तव्या भक्ति कृष्णस्य सर्वदा श्रव्यः श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध आदरात् प्रत्यहं वासकृद्वर्ष वर्षे वाच्यत पंडिते कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेश्य शक्तितः विष्णुनाम सहस्रादेश्चापि कार्यप्सितप्रदा दव्यामापदे कष्टायां मानुष्याम्बागदादिषु यथा स्वपररक्षास्य तथा वृत्त्यं न चान्यथा देशकाल वयो वित्त जाति सत्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निष्कृतं च अवधार्यताम् मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेप्सितम् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम् एते साधारणा धर्मा पुंसां स्त्रीणां च सर्वतः मदाश्रितानां कथिता विशेषानथ कीर्तये मज्ज्येष्ठा वरद भ्रातृ सुताभ्यां तु कदाचन श्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः न स्पृष्टव्यासता क्वापि भाषणीया सता नहि कौर्यं कार्यं न कस्मिंचिन्यासो रक्षो न कस्यचित् प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यवहारिके विक्षया पदति क्रम्य न तु कार्यं ऋणं क्वचित् स्वशिष्यार्पितधान्यस्य कर्तव्यो विक्रयो न च क्षीणं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नेष विक्रयः भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनम् इषकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनुमतः मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्षा मुमुक्षवः यथाधिकारं संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिता मान्या सन्तश्च कर्तव्य सच्छास्त्राभ्यादरात् मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनां सेवा कार्या यथाविधि भगवान् मन्दिरं प्राप्तो योऽन्नार्थी कोऽपि मानवः आदरात् स तु सम्भाव्यो दानेनान्यस्य शक्तितः संस्थाप्य विप्र विद्वांसं पाठशालं विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतं महत् अथेतयोस्तु भार्याभ्यामाग्नया पत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यस्त्रिंथ एव हि श्वासन सम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्हि चेत् न स्प्रष्टव्यान् भाषाश्च ते सुखं न च गृहाख्याश्रमिणो ये स्युः पुरुषा मदुपाश्रिता श्वासन्न सम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च ते मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा विजनेस्तु वयस्थया अनापदीनते स्थि
विधेयं कार्यं दानं न योषितः प्रसंगो व्यवहारेण यस्य केनापि भूपते भवेत् तस्य स्त्रिया कार्य प्रसंगो नैव सर्वथा अन्नादि शक्ति तो व्यर्च्यो यति स्थिते गृहागत दैवं पैत्रं यथा शक्ति कर्तव्यं च यथोचितम् याव जीवं च शुश्रूषा कार्या मातु पितुर्गुरो रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथा शक्ति च मामकै यथा शक्ति उद्यम कार्यो निज वर्णाश्रमोचित मुष्कच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः यथा शक्ति यथा कालं संग्रहो न दनश्यते यावद्यं च कर्तव्य पशुमद्य तृणस्य च गवादीनां पशूनां च तृणतो यादिभिर्यदि संभावनं भवेत् स्वेन रक्ष्यस्ते तर्हि नान्यथा सशाक्ष्यमन्तरालेखं पुत्र मित्रादिनापि च भुवि तदाना दानाभ्यां व्यवहार्यं न करहि चेत् कार्ये वैवाहिके स्वस्यान्यस्य वार्प्य धनश्यतो वासाबन्धो न कर्तव्य सशक्ष्यं लेखमन्तरा आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा अन्यथा तु महद्दुःखं भवेदित्यवधार्यताम् द्रव्ययो भवेद्यावान् व्ययो वा व्याव्यहारिके तौ संस्मृत्यं स्वयं लेख्यो स्वक्षणे प्रतिवासरम् निजवृत्त्योदम प्राप्त धन धान्यादितश्च ते अर्प्योदशांस कृष्णाय विंशस्त्विह दुर्बले एकादशी मुखानां च व्रतानां निज शक्तितः उद्यापनं यथा शास्त्रं कर्तव्यं चिन्तितार्थदम् कर्तव्यं कारणीयं वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिप्रीत्य श्री महादेव पूजनम् स्वाचार्यान् ऋणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्यां स्वव्यवहारार्थं पात्रभूषांशुकादि च श्रीकृष्ण गुरुसाधूनां दर्शनार्थं गतौ पथि तत्स्थाने सूचनाग्राह्यं प्राणन्नं निज पुण्यरत् प्रतिज्ञातं धनं देयं यस्य तत्कर्मकारिणे न गोप्यं ऋणशुद्ध्यादि व्यवहार्यं न दुर्जने दुष्कालस्य रिपूणां वा नृपस्योपद्रवेण वा लज्जा धन प्राणनाश प्राप्यस्यात्र सर्वथा मूलदेशोऽपि स स्वेषां सद्य एव विचक्षणै त्याज्यो मदाश्रिते स्थेयं गत्वा देशान्तरं सुखम् आद्येस्तु गृहिभिः कार्याय हि सा वैष्णवामखा तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तै नेयानि पत्र विप्रेभ्यो दानानि विविधानि च मदाश्रिते नृपे धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलः प्रजा स्वा पुत्रवत्पाल्या धर्म स्थाप्यो धरातले राज्याङ्गोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा व्यवहार विदः सव्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणः स भर्तृकाभि नारी भी सेव्य स्वपतिरीशवत् अंधो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः रूप यौवन युक्तस्य गुणिनो न नरस्यतो प्रसंगो नैव कर्तव्यस्ताभि साहजिकोऽपि च नरेक्षणा ब्युरोकोचानुतरीया च नो भवेत् साध्वीस्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादि संगिनी भूषा सदन सुख ध्रुति परगेहोपवेशनम् याज्यं हास्यादिज स्त्रीभि पत्यो देशान् गते विधवा विश्वयोषा भी सेव्य पति धिया हरि आज्ञायां पितृपुत्रादे वृत्यं स्यात्तन्त्र नोत्तन्तु स्वासन्न संबंधहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् तरुणैस्तेश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना स्तनन्दयस्य नो स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे विद्यानासन संबंधात् ताभि पाठ्या न कापि निचो वतोपवासे कर्तव्यो मुहूर्ते हलमस्तता धनं च धर्म कार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगियत् देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा कार्यस्य सकृदाहारस्ताभि स्वापस्तु भूतले मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्यान् देहिनोः वेशो नो धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या श्रिया तथा न्यासिन्या वितरागाया विकृतश्च न कर्हि चेत् सङ्गो न गर्भपातिन्या स्पर्श कार्यश्च योषितः शृङ्गारवार्ता नृणां कार्या श्रव्या न च इच्छति
निज संबंधी वीर पि तारुण्ये तरुणे नरे साकम रहसि नस्ते यम ताभिरा पदमंतरा न होला खेलनम कार्यम न भूषा देश धारणम न धातु श्रुतयुक् सूक्ष्म वस्त्रा देह करहिचित सदवा विधवा बीश्च न स्नातव्यम निरंबरम स्वरजो दर्शनम स्त्री गोपनीयम न सर्वथा मनुष्यम चांशुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयम सुसेन्ने वस्त्रात्वा तुरहनि सास्पृतेत नैष्ठिका व्रतवन्तो ये वर्णी नो मधुपाश्रया ते स्पृश्यान स्त्रियो भाष्या न च वीक्षाश्च तादिया तासं वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन तत्पादचार स्थाने सुन्न च स्नानादिका क्रिया देवता प्रतिमं हित्वा लेख्या काष्ठादिजा पिवा न योषित प्रतिमा स्पृश्या न वीक्ष्या बुद्धिपूर्वकम् न स्त्री प्रतिकृति कार्या न स्पृश्यम योषितो सुखम् न वीक्ष्यम मैथुन परम प्राणी मात्रम च तेर्दिया न स्पृश्यो नेक्षणीयश्च नारी वेश दर पुमान न कार्यम श्री समुद्दिश्य भगवद गुण कीर्तनम् ब्रह्मचर्य व्रत त्याग परम वाक्यम गुरोरपि तेर्न मान्यम सदास्तेयम धीरे स्तुष्टेर मानिभिः स्वाति ने कट्यमायान्ति प्रसभम वनिता तुया निवारणीया साभाष्य तिरस्कृत्यापि वाद्रुतम् प्राणापद्युपपन्नायाम स्त्रीणाम स्वेषाम च वाक्वचित् तदा स्पृष्ट्वापि तद्रक्षा कार्य संभाश्च ताश्च वा तैलाभ्यंगो न कर्तव्यो न धार्यम चायुधम चथा वेशो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना चते परिवेशन कर्ते स्याद् यत्र स्त्री विप्रवेश मने न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमिति रत्र तु अभ्यासो वेद शास्त्राणां कार्यश्च गुरु सेवनम् वर्जस्त्रीणामि वस्त्रेण पुंसं संगश्च ते सदा चर्मवारी नवैपेयं जात्या विप्रेण केनचित् पलाण्डुलशुनाद्यं च तेन भक्ष्यं न सर्वथा स्नानं संध्यां च गायत्री जपं श्री विष्णु पूजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च कर्तव्यं नैव भोजनम् साधवो यथ ते सर्वे नैष्ठिक ब्रह्मचारीवत् स्त्रीस्त्रेण संगा वर्ज्यम जेतव्याश्चान्तरारय सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषत द्रव्य संग्रह कार्य कारणीयो न केनचित् न्यासो रक्ष्यो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कर्हिचित् न प्रवेशवितव्या च स्वावासे स्त्री कदाचन न च संगं विना रात्रौ चलितव्यं मनापदि एकाकीभिर्न गन्तव्यं तथा क्वापि विना पदम् अनर्घ्यं चित्रितं वास कुंसुम्भादि च रञ्जितं न धार्यं च महावस्त्रं प्राप्तमन्येच्छयापि तत् भिक्षां सभां विना नैव गन्तव्यं गृहिणो गृहम् व्यर्थकालो न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना पुमान्नेव भवेद्यत्र पक्वान परिवेषणः भिक्षणादि भवेन्नेव यत्र स्त्रीणां च सर्वथा तत्र गृही गृहे भोक्तं गन्तव्यं साधुभिर्मम अन्यथा मानमर्तित्वा पाककार्य स्वयं च तै आर्षभो परतः पूर्वं झड विप्रो यथा भुवि अवर्तात्र परं हंसे वृत्त्यं तथैव ते वर्णीभिः साधुभिश्चैतैर्वर्जनीयं प्रयत्नतः ताम्बूलस्याहि फेनश्च तमालादेश्च भक्षणम् संस्कारेषु न भोक्तव्यं गर्भाधान मुखेषु तै प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशायिके दिवास्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्ता न कार्य च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकम् स्वप्यं न तैश्च खट्वायं विना रोगादिमापदम् वर्तितव्यं च साधुनामग्रतः सदा घालिदानं ताडनं च कृतं कोमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च ते दूतकर्म न कर्तव्यं पैशुनं चारकर्म च देहे हन्ता च ममता न कार्या स्वजनादिषु इति संक्षेपतो धर्मा सर्वेषां लिखिता मया साम्प्रदायिक ग्रन्थेभ्यो ज्ञेय एषां तु विस्तरः सत्शास्त्राणां समुद्धृत्य सर्वेषां सारमात्मना क्षत्रियं लिखिता नृणामभीष्ट फलदायिनी इमामेव ततो नित्य मनुसृत्य ममाश्रिते वर्तितव्यं न तु स्वैरं कदाचन वर्तिषन्त्यय इत्थं हि पुरुषायोषितस्तथा धर्मादि चतुर्वर्गं सिद्धिं
प्राप्स्यन्ति निश्चितम्। नेत्थम् य आचरिष्यन्ति ते त्वस्मत् संप्रदायतः। बहिर्भूता इति ज्ञेयम् स्त्रीपुंसे संप्रदायिके। शिक्षापत्रे प्रतिदिनं पाठोष्य मदुपाश्रितै। कर्तव्यो नक्षरज्ञेस्तु श्रवणं कार्यमादरात्। वक्रभारे तु पूजयैव कार्याश्यं प्रतिवाशरम्। मद्रूपमिति वद्वाणि मान्ययम् परमादरात्। युक्ताय संपदा दव्या दातव्येयं तु पत्रिका। आसुर्या संपदाध्याय पुंसे देयान करहिचित्। विक्रमार्क सकस्याब्दे नेत्राष्ट वशुभूमिते। वसंत्याद्यदने दीक्षा पत्रियं लिखिता सुभा। हे अपने समूह में चलो श्लोक बोलेशो। निजा श्रीमानं सकलार्ते हंता स्वधर्म भक्ते सेप्सितानाम् तनोतो रुष्णो खिलमंगलाम्ना। स्वामी नारायण भगवान की प्रेम थी अपने 108 नाम थी पूजन करी। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम प्रभवे नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम भक्ति धर्मात्मजाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम अजन्मने नमः। स्वामी ओम कृष्णाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम हरये नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम हरि कृष्णाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम घनश्यामाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम धार्मिकाय नमः। स्वामी ओम भक्ति नंदनाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम बृहद्व्रतधराय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम राधा कृष्णेष्ठ देवताय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम मरुत सुत प्रियाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम काली भैरवाद्यति भीषणाय नमः। स्वामी ओम जितेन्द्रियाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम जिताहाराय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम आस्तिकाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम योगेश्वराय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम योगकला प्रवृत्तये नमः। स्वामी ओम अति धैर्यवते नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम ज्ञानीने नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम परमहंसाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम तीर्थकृते नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम तीर्थिकार्चिताय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम क्षमानिधये नमः। स्वामी ओम सदोन्निद्राय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम ध्याननिष्ठाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम तपः प्रियाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वतंत्राय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मविद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम पाषंडो छेदन पटवे नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम प्रसाद मूर्तये नमः। स्वामी नारायणाय नमः। ओम निर्दोषाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः।
असुर गुरुवादि मोहनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अति कारुण्य नयनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम उद्धवाध्व प्रवर्तकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम महाव्रताय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम साधुशीलाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम साधु विप्र प्रपूजकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अहिसयज्ञ प्रस्तोत्रे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम स्वामिनारायणाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम स्वामिने नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम काल दोष निवारकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सच्छास्त्र व्यसनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम कौलद्विषे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम कली तारकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम प्रकाश रूपाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम निर्दम्भाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सर्वजीव हितावहाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम भक्ति संभोषकाय नमः ओम वाग्मीने नमः ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम निर्मत्सराय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम भक्तवर्मणे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम बुद्धिदात्रे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अति पावनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अबुद्धिरुते नमः ओम ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अपराजिताय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम समुद्रांत सत्कीर्तये नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सिद्ध संस्कृति मोचनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम उदाराय नमः ओम सहजानंदाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम कंदर्प दर्प दलनाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम वैष्णव क्रतु कारकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम पंचायतन सन्मानाय नमः ओम नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम प्रगल्लभाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम निस्पृहाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अरोषणाय नमः ओम दीर्घदर्शिने नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सदुर्मी विजयक्षमाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम निरहंकृतये नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अद्रोहाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम रोजवे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम सर्वोपकारकाय नमः ओम नियामकाय नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम उपसमस्थितये नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अविनयवते नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम गुरवे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम अजातवैरिणे नमः स्वामिनारायणाय नमः ओम निर्लोभाय नमः महापुरुष
पुरुषाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम आत्मदाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम अखंडितार्ष मर्यादाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम यमदूत विमोचकाय नमः ओम पूर्णकामाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम सत्यवादिने नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम गुणग्राहिने नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम गतस्मयाय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम सदाचार प्रियतराय नमः स्वामी नारायणाय नमः ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः सर्वमंगल सदरूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः स्वामी नारायणाय नमः स्वामी नारायण भगवान जय जय हो जय हो इष्टदेव स्वामी नारायण भगवान सुदेव विमलामृत धाम वासम देयम् श्यामं सीतं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्ति धर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमात्र निज भक्तिमतां नराणां एकान्तधर्ममखिलम् अष्टांग योग कलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोम विलोम वृत्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधानि जस्य भूरे गतागत जलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरीन्द्रियगण श्वसनादि दैव वृत्योद्भवस्थितिलया न पिजायमानन् स्थित्वा ततस्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमो शुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगव साख्य पथ योग सुयुक्ति भाजं त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृति त्वसुमह स्वसुवासनानां सम्यग विधिं प्रथयितुं जपतोरमाया सालंब साख्य पथ योग सुयुक्ति भाजं त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये कामार्त तस्कर नट व्यसनिद्विसंत स्वस्वार्थ सिद्धिमिव चेतसि नित्यमेव नारायणं परमयैव मुदा स्मरन्तं त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये साध्वी च कोरसलभास्ति मे कालकण्ठ कोकानि ज्येष्ठन् स्वयथैव लग्ना मूरतौत
शरणं प्रपद्ये स्नेहातुरस्त्वथ भयातुरयामयावि यद्वक्षुधातुरजनश्च विहायमानं दैन्यं भजेयुरिह सत्सु तथा चरन्तम् त्वां भक्ति धर्मतनयम् धर्मस्थितैरुपगतैर्बृहता निजैक्यम् सेव्यो हरिसितमहस्थित दिव्यमूर्तिम् शब्दाद्य रागि विरिति स्वमतं वदन्तं त्वं भक्ति धर्मतनयं शरणं प्रपद्ये सदग्रन्थ नित्यपठन श्रवणादिसक्तं ब्राह्मीं च सत्सदसि सासतमत्र वेद्यां संसार जाल पतिता खिल जीव बंधो त्वां भक्ति धर्म तनयम् शरणं प्रपद्ये सजानंद स्वामी महाराज जय हमें याद रखो ने गुरु स्वामी प्रभु जय सद गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे सी सदर्याती चरणे सी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्याय गणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित नित नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीरथ चरणे अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रघटनो जे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काल करमथि छोटे काल करमथि छोटे कुटुंब सहित तरसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधि वाले करुणा बहु कीधि मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी श्रवण मंगलम यश कीर्तनम यश मंगलम स्मरण मंगलम यश सहरीर मंगलम क्रियाद देव वंदनम चपटी चोखा लई आरती पर फेरवी ने भगवान ना चरणों में अर्पण करी दो देव वंदनम देवाभिवंदनम।